सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप एकदम सही से होंगे। एमयू का 9th एंट्रेंस का एग्जाम 31 अक्टूबर और 6th एंट्रेंस का भी एग्जाम 31 अक्टूबर को हुआ। ऑलमोस्ट 9th एंट्रेंस में 15,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे और 9,000 के करीब बच्चे आए थे। जानकर शायद हैरानी हो आप लोगों को, मात्र एमयू के 9th एंट्रेंस में बॉयज का 225 सीट है और जिसका ट्वाइस मतलब 450 के करीब बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, उसमें से छांटे जाएंगे 225 बच्चे। और गर्ल्स के लिए भी 180 सीट है और उसमें से ट्वाइस ऑलमोस्ट 360 बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, उसमें से 180 बेस्ट सिलेक्टेड को छाटे जाएंगे रिटेन और इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से। तो अभी रिटेन का एग्जाम हुआ, रिटेन के मार्क्स में हमारी एक स्टूडेंट ना बनीरा फातिमा ने 85 में से 83 मार्क्स स्कोर किया। तो इसकी जुबानी हम सुनते हैं कि उसने ये अचीवमेंट को कैसे पाया है। तो वेलकम टू द चैनल एंड इमेज क्लासेस बनीरा, वेलकम वेलकम। अच्छा ये बताइए बनीरा, आप कहां से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें आप। So, my name is Vahira Fatima. मैं basically गोरखपुर यूपी से belong करती हूँ। मेरे फादर का नाम मलिक शमशाद अहमद है और मदर का नाम जिया खातून है। So, father क्या करते हैं आपके वहीरा? So, मेरे फादर वेलफेयर ऑफिसर है एनी रेलवे में। ओके ओके, तो आप ये बताइए एमयू का फॉर्म, एमयू के बारे में किसका ये रुझान जो इंटरेस्ट जो किसके तरफ से था? ये फादर का ही था। अच्छा फादर का था कि मेरे एमयू से पढ़े हैं। अच्छा तो आप फॉर्म फिल कर दिया होगा फरवरी में ही और फिर अप्रैल का डेट था, अप्रैल का डेट फिर वो पोस्टपोन्ड हुआ, तो थोड़ा बुरा लगा होगा, बुरा लगा कि यार उस वक्त अच्छा होता तैयारी कब शुरू किया था? अच्छे के लिए होता ना, ठीक है, तो अच्छा हुआ कि पॉइंट हुआ और आपने फाइनली 85 में से 83 मार्क्स गेन किए। तो ठीक है सर, फिर आपने शुरू कर दिया होगा अपना 9th फाउंडेशन का क्लास, 9th शुरू कर दिया होगा आपने अपने स्कूल से और व्हाट एवर जहां से आप तैयारी कर रहे थे। उसके बाद फिर आप दोबारा डेट आया, तो डेट आने के बाद तुरंत शुरू कर दिया आपने एंट्रेंस के, एक महीना ऑलमोस्ट टाइम लगा। तुरंत नहीं किया था उसके। अच्छा उसके बाद तुरंत नहीं किया था, उसके बाद भी सोच रहे थे कि देना या नहीं देना क्योंकि देर हो गई थी थोड़ी। फिर नहीं, फिर फादर ने बोला कि देना है तो मैंने कहा कि फिर तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके ही दूंगी। तो सर ने बहुत हेल्प की, करो या मरो सीरीज ने भी बहुत हेल्प की उसमें। अच्छा तो फिर आपने करो ज्वाइन किया मेरे थ्रू ना, आपने शायद कहां से देखा था मेरे को मेरे बारे में कहां से पता चला आपको? मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे यूट्यूब से आपका पता चला था, फिर मैंने वही बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज से वो आपका कांटेक्ट किया आपको, उसके बाद ये करो या मरो फिर करोम ज्वाइन किया। तो मैं आप मानती हैं कि आपका जो 85 मार्क्स के जर्नी में जो 83 मार्क्स आया बेसिकली उसमें सबसे अहम रोल किसका रहा है, मतलब कौन से पोर्शन को मानती हैं आपकी, ये अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद 83 मार्क्स नहीं आते मेरे। ऑफ कोर्स मेरे लिए लैंग्वेज था, लैंग्वेज में मैं बहुत डर रही थी। अच्छा तो आपके जो 2 मार्क्स कटे हैं बनीरा वो कहाँ पे कटे हैं? 2 मार्क्स मेरे 1 मार्क्स उर्दू में कटे हैं और 1 मार्क्स मैथ्स में। मतलब साइंस में परफेक्ट 30 में से 30 है, हिंदी में 30 है और इंग्लिश में मतलब हिंदी 30 करो, हिंदी में 9 या 8 मार्क्स का सवाल था ना, परफेक्ट है, मतलब सिर्फ उर्दू रह गए। अच्छा ये थोड़ा सा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ही, खासकर जो अगले साल भी प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी खासकर ये है, आप बता सकती हैं कि कौन कौन से सोर्सेज मतलब किताबें पढ़नी चाहिए हमें 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए एमयू के? तो फर्स्टली अगर साइंस देखी जाए तो एनसीईआरटी, मतलब वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से तो आता ही है। फिर आप साइड बुक ले सकते हैं अच्छे, मींस आप ऑब्जेक्टिव के मींस प्रैक्टिस करें अच्छे से, मतलब तो उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और फिर उसके बाद साइड बुक कौन सा कोई बताएंगे आप स्पेसिफिक, कोई कौन सी किताब से आप पढ़ी थी साइंस? मैंने तो साइंस स्कूल में जो रिकमेंड की थी वही पढ़ा था। और आप? हाँ साइंस में कोई स्पेसिफिक ऐसी नहीं बता सकते, लेकिन और मैथ्स में तो वो आर एस अग्रवाल भी अच्छी है और आर डी शर्मा, अगर और आपको अच्छे से मैथ्स पढ़ना हाँ दोनों सही रहती है। लैंग्वेजेस के लिए कहाँ से? बट एनसीईआरटी एनसीईआरटी लैंग्वेजेस में तो मैं
लैंग्वेजेस में तो मैं खुद वो थी, लेकिन लैंग्वेज में इंग्लिश आपकी मतलब अच्छी होनी चाहिए, जो आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं वैसी ही इंग्लिश आती है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। और वो हिंदी तो इसमें आती है उसकी हाँ वसंत जो है, पसंद वो तो बुक एग्जैक्टली उसी हाँ से उसे आती है। हाँ हाँ उर्दू हाँ भी उससे तो अपनी आती है, जबान उसी से आती है पूरी हाँ तरह। अपनी जबान। हाँ, उर्दू में तो मैंने देखा कि अपनी जबान से ही आता है, उससे उसके बाहर से कुछ आते ही नहीं है, कुछ आते ही मतलब मैंने नहीं। प्रीवियस ईयर का भी देखा। हाँ फाइनली फाइनली अगर अगर आप इंटरव्यू में दें तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी रैंक क्या आनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन मेरी रैंक, हो क्या क्या आई थिंक मैं रिटर्न टॉप में आ सकती हूँ, टॉप 10 में आ सकती हैं आप। आ सकती हूँ, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि टॉपर के फुल मार्क्स होंगे, आ सकते हैं टॉपर के, एटी अभी तक के मेरे फाइव आउट ऑफ 50। मेरे जितने हाँ मेरी हाँ है, मेरे मैम ने खुद हमारी इमेज क्लासेस में 80 में से 80 से अबव ऑलमोस्ट 6 बच्चे हैं है ना, और 70 70 से अबव वाले ऑलमोस्ट 50 बच्चे हैं जो 70 से ऊपर मार्क्स लाए हैं। माशाल्लाह। और अभी तक के हाँ मैं सुना हूँ हाईएस्ट तो अभी आप तक अभी तक आप ही का ही है ना। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। यस सर, और मैं यही कहूंगा कि अच्छा अभी अगर कोई लेसन देना हो कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि 9th एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने का सही वक्त क्या होना चाहिए, कि कब से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। 9th का मतलब आप अभी से अगर चाहें तो अभी से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, ये नहीं कि बस अचानक कर रहे हैं, धीरे धीरे आप, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा अचानक, जैसे उर्दू वगैरह है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, उससे आसानी होगी, फिर आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने गलती की थी ना कि लास्ट 15 डेज में मैंने पढ़े इतने ज्यादा, क्योंकि उर्दू वगैरह मेरे स्कूल में थी ही नहीं, मैंने पूरे 22 चैप्टर लास्ट में पढ़े 15 डेज में, हिंदी का पूरा मैंने पढ़ा, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा वो हो गया था टफ टास्क, मतलब लेकिन आप फिर भी सोचिए सीटी कि 15 दिन स्ट्राइक में की भी वजह से बहुत एंट्रेंस, हेल्प हुई। हाँ 15 दिन में एंट्रेंस चलो, की लेकिन वो प्रिपरेशन आपकी सीरीज की वजह से हुआ। हाँ, हाँ, तो क्योंकि सीरीज में मैंने बहुत मेनली ये सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव। वे में चीजें बनाई हाँ ताकि आप यस 15 दिन में अपने आप को कैसे यस रिवाइज सर, कर सकते हैं, तो उसका फायदा हाँ हाँ आपको यस, बहुत बढ़िया। बहुत हुआ बहुत हुआ। यस बहुत 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 शुक्रिया आपने हमारा अपना कीमती वक्त हमें दिया, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। तो ये बरीरा फातिमा से हम सुन रहे थे उसकी जुबानी, उसके सक्सेस स्टोरी को लेकर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बस एक स्टेप है, अभी इंटरव्यू बाकी है ना, उस वक्त देखते हैं अल्लाह ताला इसको और अच्छी तरक्की दे। और इंशाल्लाह 5 नवंबर से हमारा एक फाउंडेशन का बैच और 12 नवंबर से 9th एंट्रेंस का बैच शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको आप फिल कर दे, बाकी हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। थैंक यू बरीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।